एक बार की बात है, आधी रात में एक आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है, तभी वहां पर एक भेड़िया आ जाता है। अरे मर गए रे, ये भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया? ये भेड़िया तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे भाग यहाँ से। अरे क्या करूँ, ये तो यहाँ से भाग ही नहीं रहा, मुझे ही भागना होगा। अरे भागो, जान बचा कर भागो। रामू वहां से भागने लगता है और भागते भागते अचानक वो गिर जाता है। तभी वहां पर वो भेड़िया आ जाता है और रामू के पैर में काट लेता है। अरे मर गए रे, इस भेड़िये ने तो मुझे काट लिया। अरे भेड़िये तेरी तो। उसके बाद वो भेड़िया वहां से चला जाता है। रामू जैसे तैसे अपने घर आ जाता है। अरे भाई, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? अरे भाई क्या बताऊं, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था, वहां पर वो भेड़िया आ गया और उसने मुझे काट लिया। क्या, भेड़िया ने काट लिया? अरे जाकर डॉक्टर को दिखाओ। अरे नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा यार, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद रात होने पर रामू और उसका भाई रमेश सो रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद रामू पर भेड़िये के काटने का असर शुरू होने लगता है। वो धीरे धीरे भेड़िया में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरा भाई तो भेड़िया बन गया। उसके बाद रमेश दौड़कर बाहर आ जाता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो भेड़िया खिड़की के पास आ जाता है। अरे मूर्ख आदमी, दरवाजा खोल, मुझे भूख लगी है, मैं खून का प्यासा हूँ, दरवाजा खोल जल्दी। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो भेड़िया बन गए, कहीं उस भेड़िया के काटने के चलते तो ऐसा नहीं हो रहा है? तभी वहां पर गांव के दो व्यक्ति आ जाते हैं। अरे रमेश ये क्या है, तुम्हारे घर में ये कौन सा जानवर है भाई? अरे भाई ये कोई जानवर नहीं, ये मेरे भाई हैं। कल रात में ये लकड़ियां काटने के लिए गए थे, किसी भेड़िया ने इन्हें काट लिया और अब देखो रात होने पे ये भेड़िया बन गए। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, अब हम क्या करें? मुझे लग रहा है कि जब तक मेरे भाई ठीक नहीं हो जाते उन्हें घर में ही बंद करके रखना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो वो किसी की भी जान ले सकते हैं। उसके बाद रात भर वो गांव वाले अपने हाथ में आग लेकर उस घर के बाहर पहरा देने लगते हैं और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और सुबह होने पर रामू फिर से पहले जैसा हो जाता है। अरे भाई तुम ठीक तो हो ना? क्या, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, क्या हुआ था मुझे? अरे तुम कल रात में भेड़िया बन गए थे। क्या बकवास कर रहे हो, मैं और भेड़िया, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम रात में भेड़िया बन गए थे, मैं नहीं मानता। उसके बाद रात होने पर, अरे भाई देखो रात हो गई है, तुम किसी भी वक्त भेड़िया बन सकते हो, आओ मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ। क्या, कमरे में बंद करोगे? पागल हो गए हो क्या, मैं कोई भेड़िया नहीं। अरे भाई तुम कल रात में सच में भेड़िया बन गए थे, चलो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ, नहीं तो तुम एक बार भेड़िया बन गए तो फिर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मैं कोई कमरे में बंद नहीं होने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, रहो तुम अकेले यहाँ पर। उसके बाद रामू भाग कर चले जाता है जंगल में और उसके थोड़ी देर बाद अचानक वो एक भेड़िया में बदल जाता है और वो भेड़िया बनकर आ जाता है गांव में और रमेश के घर के पास दरवाजा टूटने लगता है और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे भाई मुझे ध्यान से देख, मैं तेरा भाई हूँ, तू अपने भाई को मारेगा। उसके बाद वो भेड़िया अपने भाई को देखने लगता है। तभी वहां पर एक बाबा आ जाते हैं और रामू के गले में एक माला डाल देते हैं। जैसे रामू के गले में वो माला जाता है, रामू पहले जैसा हो जाता है। अरे भाई आप ठीक हो गए, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बेटा ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जब तक इसके गले में ये माला रहेगा ये भेड़िया नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इसके गले से ये माला उतरा तो ये फिर से
वो भेड़िया बन जाएगा। तो बेटा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रात होने से पहले तुम्हारा भाई ये माला पहन ले, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मेरा भाई जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि ये बिना माला के बिना भी भेड़िया ना बने और ठीक हो जाए? देखो बेटा, जब तक मैं इस श्राप को काटने का कोई रास्ता नहीं खोज लेता, तब तक तुम अपने भाई के गले में ये माला डाले रहना। इतना बोलकर वो बाबा जी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या रामू दोबारा भेड़िया बन जाएगा या वो कभी ठीक हो पाएगा? दोस्तों सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक, इसका अगला पार्ट। तो दोस्तों अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को शेयर करना शुरू करें और कमेंट भी करें कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है। तो बच्चों आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही जादुई कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है ना, इसे जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा।